हाँ सर, रिजल्ट क्या होगा वो पहले ही बता चुके थे, तो देख लेते हैं प्रूफ कैसे हो रहा है उसका, प्रूफ क्या होगा। ये तुम्हारा रिंग है जो रोटेट कर रहा है, मान लो कि इसमें से कोई भी पोर्शन काटोगे छोटा सा जो कि सेंटर पे है। नहीं, सब प्रूफ से कभी क्वेश्चंस आते हैं सर? प्रूफ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए कभी कभी आ जाता, ठीक है ना। जैसे अभी तुम्हारा बैच जो है ना वो कंबाइन करके चल रहा है, अगर बस ड्रॉप वाले बैच होते तो मैं नहीं समझाता, छोड़ देता इसे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये एंगल तुम्हारा, मान लो ये जो एलिमेंट हमने काटा, ये एंगल सेंटर पे कितना बना रहा है, डी थीटा बना रहा है, ठीक है। इसको अगर साइड करके देखोगे, ये फिगर इधर बना करके देखते हैं तो क्या दिखता, इधर इस पे टेंशन टी इस साइड में लग रहा है और इस एंड पे टेंशन टी इस साइड में लग रहा है, ठीक है। इसी की वैल्यू हमें निकालनी है कि कितना टेंशन लग रहा है। अब इसमें होता क्या है कि इस टेंशन का अगर देखोगे तो दो कंपोनेंट तुमको दिखेगा, अगर इसको इधर ज्वाइन करो, ये एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, इधर इस साइड और इस साइड। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अगर ये डी थीटा है तो इस साइड जो एंगल बनेगा इट विल बी डी थीटा बाई टू। अगर सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, सेंटर पे एंगल बन रहा है डी थीटा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये तुम्हारा टी और ये जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे जो एंगल बनेगा इट विल बी डी थीटा बाई टू। बाई ज्योमेट्रिक वो डी थीटा बाई टू होगा। तो इस टेंशन का देखो, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, इधर की तरफ एक कंप्लेन, नीचे की तरफ सर अगेन, इस टेंशन का भी बोलो, सर वो सर बोलो डी बोलो, क्या थीटा बाय टू एक बार समझ दीजिए। समझाना पड़ेगा। चलो समझ ली, ऐसा कुछ हो रहा है, ये टेंशन है तुम्हारा, ये सेंटर पे ऐसा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल कितना है डी थीटा, तो ये छोटा वाला एंगल डी थीटा बाय टू होगा इधर, ठीक हाँ सर, है ना। ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट है और इस टेंजेंट पे ये रेडियस है, ये टेंजेंट और इस पे ये रेडियस, तो ये 90 डिग्री होगा, है कि हाँ नहीं। सर, और अगर ये 90 डिग्री है तो इट विल बी 90 माइनस d थीटा बाई 2 होगा, हाँ सर, तो एंगल होगा। अब यहाँ से हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखोगे तो इस वर्टिकल लाइन से ये हॉरिजेंटल कितने का एंगल बनाएगा, 90, ये 90, वो सर समझ नाइनटी गया। हाँ d थीटा बाई 2, ठीक है ना। यार भाई मैंने हाँ बोला सर, था वो ज्योमेट्री, तो ज्यादा परेशान की जरूरत नहीं। देखो इसका दो जो कंपोनेंट है, इस टेंशन का ये कंपोनेंट और इस टेंशन का ये कंपोनेंट, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो जो कंपोनेंट रेडियस के अलोंग है, कंपोनेंट अलोंग रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t। कौन सा कंपोनेंट है का, साइन कंपोनेंट या कॉस कंपोनेंट, 2t साइन कंपोनेंट, साइन साइन कंपोनेंट, डी थीटा बाई टू, यही होगा 2t sin d थीटा बाई 2 रेडियस। और रेडियस कलम जो भी फोर्स काम करता है दैट इज एक्चुअली वो क्या होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स, रेडियस कलम जो सेंट्रिपिटल, भी फोर्स काम कर रहा होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। मतलब अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये जो पूरा रिंग है ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो दिस विल बी योर एफ सी। एंड एफ सी क्या होता है, एफ सी होता है तुम्हारा एम ओमेगा स्क्वायर आर। एफ सी कैसे निकालते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर से निकालते हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 2t sin d थीटा बाई 2 बराबर किसके होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर के होगा। अब साइन डी, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, जब थीटा बहुत ही छोटा हो जाए तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली ठीक इक्वल टू थीटा, कब, जब थीटा बहुत ही छोटा है, यहाँ पे हमने देख रहा हो थीटा क्या होगा, बहुत छोटा काटा हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2t sin को हटा करके d थीटा बाई 2, ये किसके बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। यहाँ से 2 2 चला जाएगा, 2 2 चला जाएगा, बचेगा क्या, t बचेगा, t की वैल्यू 3 2 d थीटा, इससे के बराबर। अब d थीटा की वैल्यू अगर तुम निकालना चाहते हो, d थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, व्हाट विल बी d थीटा बोलो, हाँ सर, एस डी थीटा कैसे इक्वल टू आर निकालेंगे, थीटा से। उस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, डी थीटा की जगह तुम क्या पुट कर दोगे,
एस बाय आर तो मैं हटा रहा हूँ, ये ऊपर वाला हटा दूँ? हाँ सर, ऊपर वाला रुकिए सर, रुकिए सर, ऊपर वाला भी नहीं लिखो, लिख लो जल्दी से, हटाऊंगा उसको। लिख लिया, चलो समझते हैं। इधर क्या बचा है? टी डी थीटा बचा, और इधर बचा है एम ओमेगा स्क्वायर आर। टी निकालना है, टी विल बी एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय डी थीटा। लेकिन हमें डी थीटा और एम के बारे में नहीं पता है। इस एलिमेंट का, ये एलिमेंट का जो मास है वो हमने कितना माना है? स्मॉल एम माना है। इस एलिमेंट का जो मास है वो कितना माना है? स्मॉल एम माना है। पूरे बड़े वाले रिंग का मास कितना था? कैपिटल एम। बड़ा जो रिंग है, इस टोटल रिंग का मास कितना है? कैपिटल एम। एलिमेंट का मास कितना है? स्मॉल एम है। तो क्या हम इस स्मॉल एम को कैपिटल एम के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब देखो, अगर सेंटर पे एंगल 2π बनता, सेंटर पे एंगल 2π बनता तो मास कितना होता? एम होता, है कि नहीं? तो अगर सेंटर पे एंगल 2π बन रहा है तो मास m है, अगर एंगल 1 बनता तो 2π बाई m होता, ऐसी m बाई 2π होता। सेंटर पे रिंग 2π का एंगल बना रहा है तो टोटल मास कितना आ रहा है? m आ रहा है। अगर 1 डिग्री का एंगल बना, 1 रेडियन का एंगल बनाता तो m बाई 2 थीटा होता, m बाई 2 थीटा। और अगर d थीटा का एंगल बना रहा है तो यहां से क्या हो जाएगा? इट विल बी m बाई 2π इंटू d थीटा, एंड दिस इज योर स्मॉल एम, जो इस एलिमेंट का मास हमने यहाँ रखा हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आया। कोई है जिसको कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, ये वाला चीज कहाँ से लाए? पूरे रिंग का मास कितना है? 2m है। सेंटर पे एंगल 2π बनना है, अगर 1 बनता तो 1/2m। अभी कितना ये है? ये जो एलिमेंट है सेंटर पे एंगल डी थीटा बना रहा है, तो डी थीटा के चलते जो मास होगा इट विल बी m बाई 2π इंटू डी थीटा। इसी को हमने स्मॉल एम माना है, और स्मॉल एम जो माना है वहां पे रिप्लेस करोगे तो टेंशन टी विल बी, यहां से इसको रिप्लेस करोगे इट विल बी एम कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2π। ये तुम्हारा टेंशन जो कल मैंने लिखवाया। यस सर। तो अगर फॉर्मूला कभी भूल भी गए, याद नहीं हो रहा, ये नीट वाले बच्चों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आता। तो अगर एग्जाम में फॉर्मूला नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, अगर थोड़ा सा भी तुमको कंसेप्ट याद है तो मे बी तुम एक मिनट टाइम दे करके उसको प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ करके सीधे आंसर टिक कर दो। और नहीं तो अगर फॉर्मूला रटे हुए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हो गया, समझ में आ गया, हटा दी इसको। हाँ सर, हाँ सर, और जेई मेंस में इससे रिलेटेड सवाल पूछ चुका है तो ज्यादा चांसेस अब बन रहे हैं कि ये क्वेश्चन अब नीट में पूछेगा, नीट में रिपीट करेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जेई मेंस में पूछे गए होते हैं, उसको क्या करता है नीट में ला करके पूछ देता है, अगर उस टाइप के होते हैं। आजकल ज्यादा पॉसिबिलिटी हो गई क्योंकि जेई मेंस वाले बहुत सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, 7-8 पेपर उनको बनाना पड़ता है क्योंकि 4-4 एग्जाम हो रहा है जेई मेंस का 4 फेज में, तो इसके चलते क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा हो गए। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो जेई मेंस के क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ लो तो उसमें से कुछ ना कुछ नीट का तुम्हारा काम बन जाएगा, नीट के कुछ क्वेश्चन उसमें से मैच हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये फेवरेट टॉपिक है सर्कुलर मोशन का, दैट इज मोशन इन, मतलब यहां से क्वेश्चंस आते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। कहने का क्या मतलब है? एक धागा लिए, उससे एक बॉब को हैंग करे, सस्पेंड करे, और इसका जो रोटेशन हो रहा है वो कुछ इस तरीके का, मतलब अभी जो सर्कल बनेगा वो कहाँ बनेगा? सर्कल जो तुम्हारा बनेगा वो कहाँ बनेगा? वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल में, वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। अब जब वर्टिकल प्लेन में मोशन होता है ना तो इस पर एमजी का रोल होता है, एमजी रोल प्ले करेगा, और एमजी के चलते तुम्हारा यहाँ क्या होगा, जो मोशन है ना वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। क्योंकि अगर इसका देखोगे तो हर पॉइंट पे, मान लो अगर यहाँ पे अभी देख रहे हो इसको, तो अभी ये जो एंगल है ना ये थीटा एंगल है, इस पॉइंट से मान लो कुछ वेलोसिटी तुमने फेंका, यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी, तो जो एमजी लगेगा इधर लगेगा, और जो टेंशन लगेगा, नाउ टेंशन विल कंटिन्यूअसली चेंज, टेंशन की जो वैल्यू होगी वो कंटिन्यूअसली चेंज होगी क्योंकि ये एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होगा। जब इस तरीके का मोशन होगा तो क्या होगा,
एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होगा, तो टेंशन कंटिन्यूअसली चेंज होगा, उसके चलते वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली चेंज होती है यहाँ पे। ये जो मैग्नीट्यूड है वी का, जो भी तुम्हारा स्पीड है, दैट ऑल्सो चेंजेस कंटिन्यूअसली, जिसके चलते यहाँ से जो मोशन होता है सर्कुलर मोशन, दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या जो भी मोशन होगा कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म में अल्फा दिखेगा तुमको, ठीक है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेगा। समझ में आ रही है बात, तो लिखना इसमें। हाँ सर। It is an example of non-uniform motion. During this motion, kinetic energy is converted into potential energy and vice versa, converted into potential energy and vice versa, continuously. Sir? बोलो, क्या बोला? Sir, जो energy and क्या बोला? क्या बोल रहे थे? मैं एक बार Sir, कोई जो लिख रहे कौन सी energy? दो energy बोले, potential energy और mechanical energy. Motion, kinetic energy. हाँ, kinetic energy changes into potential energy and vice versa continuously. Vice versa समझते हो? मतलब kinetic energy जैसे potential energy जब motion होगा तो यही process तुमको बार बार दिखने लगेगा। इधर से ऊपर जा रहे होगा, kinetic energy will convert into potential energy, इधर से नीचे आओगे, potential energy will convert into kinetic energy, मतलब किसी भी दो पॉइंट का तुम एनर्जी कंजर्वेशन, किसी भी दो पॉइंट में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसी दो पॉइंट का, और उस दो पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितना होगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन थीटा, थीटा कितना, वर्टिकल से स्प्रिंग कितने का एंगल बना रहा है उस पे वेलोसिटी डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ जो टेंशन है स्प्रिंग में वो भी वैरी करेगा। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला डेवलप करना होगा कि अगर हमसे पूछ रहा है कि बताओ थीटा एंगल पे वेलोसिटी कितनी होगी या थीटा एंगल पे टेंशन कितना होगा, वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो डायग्राम में एक बार फिर से बना दे रहा हूँ, ये तुम्हारा सर्कल है, ये इसका सेंटर। मोशन अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देख लो हम मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको मैंने फेंका कितने से, u वेलोसिटी से फेंका। बॉब को क्या कर रहे हैं, u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। अभी एंगल बन रहा है थीटा, थीटा एंगल पे इससे हम जाकर के पूछ रहे हैं बताओ तुम्हारा स्पीड कितना, और फिर इस टेंशन से पूछेंगे, इस स्प्रिंग से पूछेंगे कि तुम में टेंशन कितना। ये दो चीजों का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू से गया, इधर कुछ देर बाद देखेंगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी हो जाएगी, और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज एल, ठीक है, ये एंगल ठीक, दिस इज योर पॉइंट वन, दिस इज योर पॉइंट टू। अब पॉइंट वन से हमने पार्टिकल को फेंका, कहाँ जाकर उसको देख रहे हैं, थीटा एंगल जब वो बना रहा है वर्टिकल से पॉइंट टू पे, हम उससे पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी कितना, और फिर यहाँ पे टेंशन कितना। तो टेंशन देखने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, और उसके बाद वेलोसिटी देखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, वेलोसिटी देखने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी देखोगे, एनर्जी एट एट पॉइंट वन, एनर्जी एट पॉइंट वन, अगर मैं रेफरेंस यहाँ पे ले लू, रेफरेंस मैं कहाँ ले रहा हूँ, यही पे ले रहा हूँ, अगेन रेफरेंस तुम्हारे हाथ में, कहीं भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, मैंने जो रेफरेंस लिया हुआ कहाँ लिया हुआ, यहाँ पे लिया। तो अगर मैं रेफरेंस यहाँ ले लू तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जीरो हो जाएगा। तो एट पॉइंट वन
पोटेंशियल एनर्जी को क्या मैं ले आ रहा हूँ, ले रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम यू स्क्वायर, एम यू स्क्वायर वन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी एट एट पॉइंट टू, अगर मैं देखूं पॉइंट टू, तो अब पोटेंशियल एनर्जी तुमको कुछ होगा, पोटेंशियल एनर्जी अब कुछ ना कुछ दिखेगा, क्यों, क्योंकि राइज हो गया कितने से, दिस हाइट इट्स, पहले बॉब यहाँ था, अभी कितना हाइट उठ गया, एच हाइट से ऊपर चला गया। तो अब जब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे पीई टू, इट विल बी व्हाट, एम जी एच, क्या एच को एल के फॉर्म में लिख सकते हैं, एच को अगर एल के फॉर्म में लिखा, ध्यान से देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये अगर L माइनस L cos थीटा, क्योंकि ये पूरा L है, दिस विल बी, दिस मच विल बी L cos थीटा, इसका कंपोनेंट L cos थीटा, पूरे में से ये घटा लो ये बचेगा तुमको, समझ में आ रहा है, ये हमें निकालना, ये पूरा L है, इसका कंपोनेंट लोगे L cos थीटा, ये वाला टर्म घटा लो, तो दिस कैन बी रिटन एज एम जी एल वन माइनस cos थीटा। H में किसी को कंफ्यूजन हो तो बोल दो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करने में किसी कंफ्यूजन, सबको समझ में कंफ्यूजन है, चलो समझ लेते हैं। अब इसी डायग्राम को मैं इधर ड्रॉ करूं, ऐसा डायग्राम है, ये H है, दिस इज योर कंप्लीट L, टोटल L, ठीक है, ये भी L होगा, कंप्लीट L होगा, ये भी आपका रेडियस और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, समझ में आ रहा है, तो ये L है, ये टोटल L है और ये थीटा, तो L cos करेंगे, L cos, तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, L cos थीटा, थीटा जो मैंने ये छोटा वाला, ये L cos थीटा है, तो H निकल जाएगा, दिस टोटल माइनस दिस, हाँ L माइनस कर देंगे तो L माइनस L cos थीटा, तो L कॉमन है बाहर कर लिया, बचे क्या, वन माइनस cos थीटा, आ गया समझ में, टोटल एनर्जी और यहाँ का टोटल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, इस पॉइंट का टोटल एनर्जी जो होगा वो सेम होगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, तो अगर आप देखोगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सो मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी कुछ भी लिखो, क्या होगा, हाफ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भी, ठीक है, भी जो किस पे डिपेंड करे, थीटा पे डिपेंड करे, तो मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मास तीनों टर्म में है, मास कैंसिल आउट हो जाएगा, भी जो यहाँ से निकलेगा वी स्क्वायर विल बी ई स्क्वायर, ठीक है, ये इधर जाएगा माइनस टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा, या फिर अगर भी लिखना है तो इट विल बी ई स्क्वायर माइनस टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा अंडर रूट, ये रिलेशन किसका, वेलोसिटी का रिलेशन, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा के साथ वेरी कर रहा, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, जहां यू कहा कि वेलोसिटी, यू पे ध्यान दोगे, जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं ना तो हम मोशन को कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट से मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं, मे भी क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि मोशन जो है क्वेश्चन में वो लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करे, उसने बोल दिया कि मैं 90 डिग्री एंगल पे वर्टिकल से 90 डिग्री एंगल पे मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टिकल को यू स्पीड से फेंक रहा हूँ, अब बताओ वेलोसिटी कितना होगा एंगल थीटा पे, फिर हमें क्या करना होगा, उन दो पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा, कंसेप्ट क्या है, दो पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा के वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी, समझ में आ रहा है, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, एनर्जी कंजर्वेशन का तरीका है, अब कहीं से फेंके, मैंने बॉटम से करा, अगर मैंने टॉप पॉइंट से फेंका होता और टॉप पॉइंट से बोलता कि नीचे की तरफ बॉल आ रहा है, नीचे की तरफ बॉब आ रहा है, तो बताओ जब नीचे की तरफ आ रहा है तो थीटा एंगल पे कितना कितना वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो ये सारी चीजें कैसे करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे, समझ में आई बात, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया,
नेक्स्ट चीज है टेंशन, टेंशन भी वेरी कर रहा है, हर एक पॉइंट पे टेंशन वेरी कर रहा है, तो नेक्स्ट काम है हमारा टेंशन निकालने का। डायग्राम में फिर से बनाऊंगा। सर अगर सर हम कोई पॉइंट को ऊपर पकड़ ले और नीचे एक पॉइंट का, नीचे एक पॉइंट का थीटा से वो उसका वेलोसिटी बताना पड़े, तो उस वक्त तो सर जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तब सर माइनस एमजी करेंगे। हाँ, जब रेफरेंस अगर तुमने ऊपर ले लिया और पार्टिकल नीचे पहुंच गया तो माइनस एमजी लिखेंगे। डिपेंड करता है रेफरेंस कहाँ ले रहे हो। रेफरेंस अगर मान लो यही पे बॉटम पे ही रख के रेफरेंस ले रहे हो तो स्टिल पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, ऊपर है इस रेफरेंस से, तुम पॉजिटिव आएगा। अगर तुमने रेफरेंस टॉप पे ले लिया तो उसके नीचे जब मोशन होगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, समझ। हाँ सर, बता दे इसको। हो गया ना सबका? हाँ सर। तो नेक्स्ट काम है टेंशन निकालने का। टेंशन देखते हैं कैसे आएगा। तो डायग्राम तुम्हें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस उसी इंस्टेंट पे जब ये एंगल थीटा बना रहा था, जब ये एंगल थीटा बना रहा था उस इंस्टेंट में मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो नीचे क्या लगेगा? mg। ठीक है, इधर क्या लगेगा? टेंशन t। इस बॉब पे ये दोनों मोशन, ये दोनों फोर्स लग रहे होंगे। ये जो बॉब है इस पे क्या हो रहा है? ये दोनों फोर्स लग रहा है। और कोई फोर्स है इस पे टेंशन और mg के अलावा? वेलोसिटी सर। वेलोसिटी फोर्स नहीं है, हमें फोर्स चाहिए कि कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस नहीं लग रहे। सर और ये दोनों फोर्सेस है, यानी जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, सर्कुलर मोशन हो रहा, यही दो फोर्स है जिनके, जिनका नेट रिजल्टेंट जो होगा उसमें से कोई कंपोनेंट क्या होगा? रेडियस के अलोंग होगा, और उस रेडियस के अलोंग जो फोर्स, वो रेडियस के अलोंग जो फोर्स लगेगा दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन तो है ही सेंटर के अलोंग, टेंशन तो है ही अलोंग रेडियस, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो mg का भी एक कंपोनेंट है जो इस लाइन के अलोंग आएगा। अगर मैं mg को ब्रेक करूं तो mg के भी दो कंपोनेंट होंगे, इधर और इधर की तरफ। आ रही बात समझ में? यस सर। mg में एक बार फिर से समझ, ये mg जो है इस रेडियल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आ रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा है दिस विल बी ऑल्सो थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा है देखो, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है फोर्स का, पाथ पे एक टेंजेंशियल कंपोनेंट प्रोवाइड कर दिया और उसका एक कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में भी चला गया। तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना, ये कंटिन्यूअसली वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? थीटा वेरी कर रहा है, हो रहा है थीटा वेरी। और अब ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ये क्या देगा तुमको? 80 देगा। अगर यहां से 80 देखो, 80 का अगर वैल्यू देखोगे इट विल बी जी साइन थीटा। 80 कितना होगा? जी साइन थीटा होगा। और हमें पता है कि अल्फा क्या होता है, अल्फा होगा 80 बाई आर, और यहाँ रेडियस एल है तो 80 बाई एल लिखेंगे। और अगर ध्यान से देखोगे तो इट विल बी जी बाई एल साइन थीटा, जी बाई एल साइन थीटा। यानी यहाँ पे जो अल्फा है दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, अल्फा चेंज हो रहा है। मोशन कैसा है तुम्हारा? नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इस बार तुमको टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन दिख रहा है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज नॉट जीरो, वो कंटिन्यूअसली वेरी कर। समझ में आ गया? इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया हुआ है? इसको रखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म के कैटेगरी में। अब नेट फोर्स देखोगे, नेट फोर्स along radial direction या net force towards the center, इसको लिख लो net force towards the center, F net। अगर मैं इसको लिखू क्या होगा? T, ये तो है ही उसकी तरफ, सेंटर की तरफ है ही, उसमें से घट रहा है कुछ पोर्शन, कौन सा? mg cos theta। तो net force towards the center कितना होगा? T minus mg cos theta, mg cos theta होगा। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, टेंशन सेंटर की तरफ लग रहा है, लेकिन mg का एक जो कंपोनेंट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इट विल बी t माइनस mg cos थीटा। और जो भी नेट फोर्स सेंटर की तरफ होता है दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज इक्वल टू fc,
एंड एफ सी इज इक्वल टू कितना होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, और आर की जगह यहाँ क्या रखना एल रखना, तो दिस वन एंड दिस टू मस्ट बी इक्वल, वन एंड टू दोनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन जल्दी बोल दो, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, आ रहा है ना? हाँ सर, दोनों को जैसे, दोनों को जैसे इक्वेट करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, टेंशन का रिलेशन मिल जाएगा। सो बाय वन एंड टू क्या होगा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर होगा एम बी स्क्वायर बाय एल के। सो टी विल बी एम बी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी कॉस थीटा, और भी जो है वेलोसिटी, थीटा एंगल पे वेलोसिटी कितना होगा वो जस्ट हमने कैलकुलेट करना, थीटा एंगल पे व्हाट इज द वेलोसिटी वो जस्ट हमने अभी कैलकुलेट करा इसके पिछले वाले लेसन में, तो वहां से भी उठा करके अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एम बाई एल, भी कितना था यू स्क्वायर ठीक है, प्लस बोलो क्या था यू स्क्वायर टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा। ये मैंने किसकी जगह पे रखा है, इसकी जगह पे रखा है ठीक है, ठीक है प्लस एम जी सर, वो सर यू स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस होगा, माइनस होगा माइनस ठीक है, माइनस ही आया था ना पिछले वाले केस। हाँ सर, हाँ सर, तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, इसको सिंपलीफाई करोगे तुम्हें क्या दिखेगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे P को इधर मल्टीप्लाई कर, तो इट विल बी एम यू स्क्वायर बाई एल, ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ये जाकर के अगर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये एल इस एल को कैंसिल आउट कर देगा, ये एल इस एल को कैंसिल आउट कर देगा, तो माइनस इट विल बी टू एम जी इसका वन माइनस कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा इतना होगा। ठीक है ना, अभी कुछ है नहीं, अभी बस सिंपलीफिकेशन है, फिजिक्स खत्म हो गया, थोड़ा और इसको सिंपलीफाई कर दोगे तुम्हें फाइनल आंसर दिख जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इधर दिखेगा टू एम माइनस टू एम जी, और ये माइनस जाकर इसको प्लस कर देगा, तो टू एम जी कॉस थीटा ये आकर इसमें ऐड होगा तो थ्री एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं? तो मैं फाइनल आंसर सीधे लिख दे रहा हूँ, फाइनल आंसर तुमको बस मैच कराने की हाँ या ना सही है कि नहीं। एम बाई एल कॉमन करके मैं लिख रहा हूँ यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस लिख रहे हैं माइनस जी एल टू माइनस थ्री कॉस थीटा, ये फाइनल रिजल्ट है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट आएगा, बस एक बार वेरीफाई करना सही है कि गलत है। टी जो होगा एम बाई एल यू स्क्वायर माइनस जी एल टू माइनस थ्री कॉस थीटा, हो गया। अब देखो इसमें क्या है ना, ये रिलेशन याद करना होता है, ये रिलेशन रटना होता है, लेकिन क्या होता है ये रिलेशन ना भूल जाते हैं बार बार बच्चे, ये रिलेशन जो है क्या होता है बच्चे बार बार भूल जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ तक रट लो, ये वाला चीज क्या करो रट लो, क्योंकि तुमने पिछले वाले रिलेशन में क्या रहता है ना वी स्क्वायर रटा हुआ है, पिछले वाले रिलेशन में तुमने क्या करा हुआ है वी स्क्वायर रटा हुआ है, तो ये रट लो और पुट कर देना सीधे, क्योंकि ये जब रटोगे ना तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, टू माइनस थ्री कॉस थीटा था, थ्री माइनस टू कॉस थीटा था, जी एल था प्लस था माइनस था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो क्या करते हैं यही तक रख लेते हैं ठीक है। तो अगर टेंशन पूछ रहा है ना, एक छोटा सा काम करना होगा तुमको, वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना होगा, वेलोसिटी कैलकुलेट करो यहाँ पे पुट कर लो, वेलोसिटी कैलकुलेट मत करो, वेलोसिटी का स्क्वायर कैलकुलेट कर लो और यहाँ पे पुट कर लो, काम बन जाता है। तो ये फॉर्मूला अगर रट पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया हो रटना है रट लो, नहीं तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कहाँ तक रख लेंगे यहाँ तक, क्योंकि अगर तुमको दिख रहा है ना तो टेंशन टी तो है, टेंशन टी जब कैलकुलेट करना है तो ये टर्म क्या है तुम्हारा एम वी स्क्वायर बाई एल रख सकते हो ठीक है, प्लस एम जी कॉस थीटा इसमें ऐड कर दो, ये टेंशन दे देगा, वेलोसिटी का रिलेशन हमने पिछले टर्म से रखना है क्योंकि वेलोसिटी तो कंपलसरी है वो रखना ही है, वेलोसिटी वाला टर्म याद रखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उस पर कर दोगे, तो वेलोसिटी वाला रट के रखोगे तो इसी इक्वेशन को याद रखो, और नहीं तो याद करना ही है रट ही रहे हो अच्छे से, ये रट लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि इसमें सीधे यू पुट करो जो तुमको गिवन होगा, थीटा पुट करो जो गिवन होगा,
टेंशन आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? हो गया, हटा दे इसको। हाँ सर। यस सर। तो टेंशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, टेंशन तुम्हें निकालना है, ये निकाल लो। वेलोसिटी निकालना है, पिछले वाले फॉर्मूला से निकाल लो। टेंजेंशियल फोर्स अगर तुमसे पूछता है, टेंजेंशियल फोर्स भी निकाल सकते हो, जो मैंने बता दिया है टेंजेंशियल फोर्स और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि कभी कभी तुमसे पूछ देते हैं कि बताओ जो तुम्हारा ये है रिटार्डेशन है या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, तुमसे पूछ देते हैं बताओ अल्फा एंगल थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे कितना का रिटार्डेशन होगा, कितना का मतलब जो तुम्हारा एंगल है अगर 90 डिग्री बन रहा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर तुम्हें एफ टी पता रहेगा, एफ टी मैंने अभी बताया कि इट इज एम जी साइन थीटा, तो यहाँ से ए टी निकाल लोगे तो ए टी विल बी कितना होगा, ए टी जी साइन थीटा एंड देयर फोर एंड सो अल्फा इज इक्वल टू जी बाई एल साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं सर। चलो अब तीन पॉइंट्स होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जहाँ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टली याद रख लेते हैं तो ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि कैलकुलेट तो कर सकते हो लेकिन वो दोनों जो पॉइंट है कभी कभी कंपैरिजन के लिए ज्यादा जरूरी होता है, तो वो दोनों पॉइंट के लिए हम रख लेते हैं। जैसे समझते हैं, मान लो तुम फेंक रहे हो यहाँ से, ये तुम्हारा ये सर्कुलर पाथ है जिसपे मोशन होगा, यहां से हमने फेंका यू वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, दिस पॉइंट इज योर ए, दिस पॉइंट इज योर बी एंड दिस पॉइंट इज योर सी, ये पॉइंट तुम्हारा सी, ए बी सी पे जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली हम याद रख सकते हैं कैसे, अगर ध्यान दोगे, और सिमिलरली यहाँ का टेंशन भी हम याद रख सकते हैं, तो लिख लेंगे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। रिजल्ट्स हमें क्या करना, हमें निकालना सबसे पहले वी ए, अगर वी ए पता चल जाए फिर हम निकालेंगे टी। अगर यहां से फेंक रहे हो, अभी भी हम कहां से फेंक रहे हैं, बॉटम पॉइंट से, अगर बॉटम पॉइंट से फेंक रहे हो तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, ए पॉइंट पे अगर जाओगे तो एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री। ए पे पहुंचने का मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, और थीटा 90 डिग्री मतलब बी स्क्वायर निकालोगे तो इट विल बी यू स्क्वायर माइनस, क्या था तुम्हारे पास फॉर्मूला, 2gl 1 माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब cos 90 कितना होता है, जीरो होता है, cos 90 ये जीरो बचेगा, क्या तुम्हारे पास इतना बचेगा, यानी ए पे जो वेलोसिटी होगी इट विल बी रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gl, ए पे जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, यू स्क्वायर माइनस 2gl। टेंशन कितना होगा, टेंशन बता दो, टेंशन अगेन मैंने बोला कि फॉर्मूला याद मत रखो, कौन सा फॉर्मूला से कर लेंगे, टेंशन होता है एम स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा, यही था। अब देखो जैसे ही कॉस थीटा का देखो हो गया जीरो, कितना हो गया जीरो, हो गया जीरो यू स्क्वायर, हाँ ये सॉरी ये भी स्क्वायर था, यहाँ वेलोसिटी रखना होगा, तो वेलोसिटी टेंशन कहाँ का निकालना है, ए का, तो वेलोसिटी कहाँ का रखेंगे, ए का रखेंगे, और वेलोसिटी ए का ही, तो क्या होगा, टेंशन विल बी एम बाई एल इंटू यू स्क्वायर माइनस टू जी टू जी एल, यही होगा सर। ये तो सर वर्टिकल मोशन का वेलोसिटी आ गया, वर्टिकल मोशन का वेलोसिटी मतलब समझे नहीं क्या बोल रहे हो सर, VA का वैल्यू, हाँ वर्टिकल मोशन, एक मिनट ये लिख लूंगा, हाँ क्या बोल रहे हो, ऐसा बोल रहा हूँ कि वो तो सर वर्टिकल मोशन का रूल के जैसा लगता है, हाँ एनर्जी कंजर्वेशन से तो एनर्जी कंजर्वेशन में अगर देखोगे तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ का
काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो जो चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो एल का ही हो रहा है, इसलिए उस तरीके से लिख रहे हैं। वही सेम चीज है, एनर्जी कंजर्व करना है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो सर्कुलर पाथ पे हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। बोले था ना कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करेगा? वर्टिकल हाइट पे। तो वर्टिकल हाइट पे कर रहे हैं लिखा हुआ। अब टेंशन जो यहाँ पे टी है, दिस इज सिंपली एमयू स्क्वायर बाई एल माइनस टू एम जी। यहाँ पे ध्यान रखना क्या टर्म घट रहा है, टू एम जी घट रहा है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज बी। अब बी पे चलोगे, पॉइंट ए की बात कर ली है, अब बात करेंगे बी बी का। बी बी बताओ कितना होगा, बी बी पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी? बोलो, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट यू के बराबर रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 4gl, मतलब 4gl स्क्वायर माइनस 4gl। ये तुम्हारा वेलोसिटी किस पॉइंट का है? बी पॉइंट का। ये वेलोसिटी कितना का है? बी पॉइंट का। मतलब जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है ना, तो उसके पास अगर तुम यू से इधर से फेंक रहे हो, इस पॉइंट से यू से फेंक रहे हो, तो इस बी के पास जब पहुंचेगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है? दैट इज बी बी, जो हमने कैलकुलेट करा फॉर्मुलाइज करके, और ये वैल्यू कितनी आ रही है? यू स्क्वायर माइनस 4gl। अगेन इसको देख सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन से ये फिर से आ जाएगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ मिलकर कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा, और 2l में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4l, वही टर्म यहाँ दिख रहा है। इसको एनर्जी कंजर्वेशन भी छोड़ दो, इसको सिंपली तुम v square इज इक्वल टू u square प्लस 2as से भी कर सकते हो। v square इज इक्वल टू u square प्लस 2as से भी कर सकते हो, क्योंकि जो v तुम्हारा मोशन हो रहा है, एक्सेलेरेशन हो रहा है, वो g के चलते हो रहा है। एक्सेलेरेशन जो हो रहा है वो g के चलते हो रहा है। s में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितना होगा? 2l का होगा। तो ये 2l रखोगे आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है? चूंकि जी नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस आएगा और ये टर्म तुमको दिख जाएगा। तो इसको एनर्जी कंजर्वेशन से सोच लो, वन डी मोशन से सोच लो, एक ही चीज है, यही तो एनर्जी कंजर्वेशन है। इधर मल्टीप्लाई कर दो, होगा इधर एम से मल्टीप्लाई कर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। इधर लाओ, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स हो जाएगा, फोर्स इनटू एस वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन ये टू को इधर ला करके डिवाइड करती है, समझ में आ रहा है क्या बोलना? तो जो तुमने जो तुमको न्यूटन का इक्वेशन पढ़ाए थे ना, वो बेसिकली क्या है? दैट इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होता है। तुम्हें करना क्या होता है, उस इक्वेशन में टू को डिवाइड कर दो, मास से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा, सारे कनेक्टेड है। ये पॉइंट बी का। अब टेंशन कितना होगा बी पे? टेंशन की वैल्यू स्क्वायर बाय एल माइनस 5 एमजी। एल इसका ये माइनस 5 एमजी। ये टॉप पॉइंट पे टेंशन कितना है? देखो टॉप पॉइंट पे टेंशन जीरो है या पॉजिटिव है? टॉप पॉइंट पे टेंशन क्या तुम्हारा? जीरो है, नेगेटिव है। टॉप पॉइंट पे अगर टेंशन जीरो हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? सर्कुलर मोशन होने में दिक्कत होगा, ठीक है ना? यहाँ पे टेंशन जीरो कैसे हो सकता है? वैल्यू पुट करो एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस 5 एम जी। देखो यहाँ पे टेंशन कितना, ये इधर टेंशन कितना, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो टेंशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? इंक्रीज करेगा, घट रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। ए से बी जा रहा है, ए पे टेंशन कितना है? इस वाले टर्म से 2 mg घट रहा है। और बी पे अगर देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे 5 mg घट रहा है। तो ये बड़ा है या ये बड़ा? सर टी बी छोटा है, बड़ा है। टी बी छोटा है, ये बड़ा है। मतलब जब मोशन होगा ना, इधर से चलना स्टार्ट करोगे, फर्स्ट हाफ में इधर का साइकिल की बात कर रहा हूँ, इधर से जब ऊपर की तरफ जाओगे अप टू पॉइंट बी, टेंशन की जो वैल्यू है वो क्या होगी? घटेगी। इसको मैं इनिशियल पॉइंट मान रहा हूँ, अभी हम इनिशियल पॉइंट पे भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं टेंशन। तो जब इनिशियल पॉइंट से जा रहे होंगे ऊपर की तरफ तो टेंशन घटेगा, जब वापस आएंगे, वापस आने के लिए हम सी का एक बार कंपैरिजन करके देख लेते हैं। सी पे जो वेलोसिटी होगी बी सी, इट विल बी सिंपली ए पे जो वेलोसिटी होगा ना, वही वेलोसिटी सी पे भी होगा।
क्योंकि इधर हाफ, इस हाफ में जो भी मोशन हो रहा उसका मिरर इधर बनेगा, इस हाफ में जो भी मोशन हो रहा पार्टिकल ऊपर गया पार्टिकल नीचे आया, तो मान लो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ना वही वेलोसिटी से पार्टिकल इधर नीचे आ रहा होगा। इस पार्टिकल से अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल इधर जा रहा है VA से, तो उतना ही स्पीड से नीचे की तरफ आएगा जिसकी वेलोसिटी VC होगी। मतलब VA और VC की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा तो अब एंगल सोच सकते हो कि एंगल कितना पुट करेंगे, 270 डिग्री। थीटा की जगह क्या पुट करोगे, 270 डिग्री। 270 पुट करके देखो कि VC की वैल्यू कितनी आ रही। PC जब 273 तो जीरो होगा, वो तो वही आएगा, जीरो हो गया, यानी cos 270 जीरो, तो V और VC का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। यानी जिधर जैसे इधर ऊपर जा रहा था उतना ही वेलोसिटी से इधर नीचे आएगा। मान लो अगर तुमसे पूछ रहा है यहाँ की वेलोसिटी कितना है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा सेम वेलोसिटी यहाँ भी होगा, उसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ, मतलब इधर का मोशन और इधर का मोशन सिमेट्रिक है, इधर ऊपर जा रहा है इधर नीचे जा रहा है। सेम चीज ग्रेविटेशन में, फ्री फॉल में, मतलब जब बॉल को ऊपर फेंक रहे हो जब बॉल को नीचे फेंक रहे हो, मैंने बोला था कि दो जब हाइट सेम है तो आते टाइम और जाते टाइम जो मोशन है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेलोसिटी का सेम होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, एक बार ऊपर जा रहा होता है दूसरी बार नीचे आ रहा होता है। साइन तो नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बस, डायरेक्शन दिखा दिया ना यहाँ पे। ओके जी, बात कर रहे हैं TC का। TC कितना होगा टेंशन बता दो सर, डायरेक्शन डिफरेंट है तो नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे सर वीसी के आगे। नहीं डायरेक्शन दिखा दिया ना, डायरेक्शन शो कर दिया ना। ये अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो इस डायरेक्शन को यहाँ पे मैंने शो कर दिया ना कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन शो करो या माइनस साइन लगाओ, दोनों में से कोई एक काम करना होता है। टेंशन भी सर सेम होगा, अब टेंशन देखोगे टेंशन की भी वैल्यू कितना ही होगी, कितना प्लस हो जाएगा सर, टेंशन तो प्लस ही रहता है बीच में, यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा ये बताओ। माइनस ही होगा, माइनस होगा, मतलब A पे C पे जो भी वैल्यू है वेलोसिटी का और टेंशन का वो क्या है, सेम है, और वेलोसिटी इधर अगर ऊपर की तरफ है इधर क्या है नीचे की तरफ है। समझ में आया किसी, कोई कंफ्यूजन? तो हमने क्या बात कर लिया, तीन पॉइंट का बात कर लिया। अब जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन की बात करते हैं, टेंशन एट इनिशियल पॉइंट, यहाँ से रिजल्ट जो आएगा नोट में वो लिख लेंगे, लेकिन सबसे पहले टेंशन एट इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पे जो टेंशन है वो क्या होना चाहिए, mg प्लस mb स्क्वायर, मतलब TI हमें निकालना है। TI जब निकालोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू जीरो, जीरो। वेलोसिटी की जगह क्या रखेंगे, u रखेंगे, तो इट विल बी mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस mg cos थीटा होगा, और cos थीटा, थीटा यहाँ पे जब इनिशियल पॉइंट पे देखोगे थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो है, थीटा की वैल्यू जीरो, तो cos थीटा कितना होगा, तो TI विल बी mu स्क्वायर बाय l प्लस mg, ये इनिशियल है। इनिशियल पॉइंट पे टेंशन इतना, यहाँ पे टेंशन कितना आ रहा था, यहाँ पे कितने से घटा था, -2 mg, -5 mg, और इस गैप में कितने से डिक्रीज हुआ है टेंशन का, 6 mg से, इस गैप में 3 mg, और इस गैप में 6 mg। फिर जब वापस आ रहे थे तो हमने देखा फिर जो टेंशन यहाँ पे वही टेंशन यहाँ गया, मतलब जब वापस आया तो फिर से 3 mg से टेंशन बढ़ गया, फिर इधर आएगा तो 3 mg का टेंशन बढ़ जाएगा, मतलब जब इधर से जाओगे तो टेंशन में 3 mg का डिक्रीज होगा, तब तक आई से ए जाने पे, फिर ए से जब बी गए अगेन 3 mg से डिक्रीज हुआ, इधर गए 3 mg से इंक्रीज होगा, फिर वापस आए 3 mg से इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। नोट में क्या लिख लोगे,
TI is greater than TA is greater than TB. ठीक है, और जब रिवर्स प्रोसेस होगा तो उल्टा हो जाएगा. इस केस में अगर आओगे 3mg वाला क्या बोले सर, एक बार बताओ. यहाँ पे जो टेंशन है वो कितना, इस पॉइंट पे टेंशन कितना, इनिशियल पॉइंट पे. mu स्क्वायर बाय l प्लस mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा. यहाँ पे टेंशन कितना था, m इज स्क्वायर l माइनस 2mg माइनस 2mg. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 3mg. वही बात, वैसे ही यहाँ का और यहाँ का. यहाँ पे कितना था, माइनस 5mg था, यहाँ पे कितना, माइनस 2mg. दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 3mg. मतलब ईच क्वाड्रेंट में जो मोशन हो रहा है, एक क्वाड्रेंट का अगर मोशन कर रहा है, मतलब 90 डिग्री से अगर घूम रहा है, वो जो डिफरेंस आ रहा है टेंशन में वो कितने आ रहा है. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेंशन ऊपर जा रहे हैं घटेगा, टेंशन नीचे आएंगे ग्रेजुअली बढ़ेगा. समझ में आ गया, और कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े. यस सर. हाँ सर. चलो अब बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी की. क्रिटिकल वेलोसिटी लिखना, मिनिमम वेलोसिटी Bob must be thrown so that it completes full circle, full circular motion. Critical velocity क्या मतलब है? क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब है ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे कम अगर तुमने वेलोसिटी दे दिया तो फिर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे. कभी कभी तुमसे सवाल में ऐसे पूछता है कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल मस्ट बी थ्रोन सो दैट इट कंप्लीट द सर्किट इज कंप्लीट द सर्किल. सर्किल कंप्लीट करने के लिए कम से कम वेलोसिटी कितना देंगे, अगर उससे कम की वेलोसिटी तुमने दे दिया तो फिर सर्किल कंप्लीट नहीं होगा. अब इसको किस कंसेप्ट से सोचे, नहीं हो पाएगा. टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन पे वो पॉजिटिव होगा, टेंशन जीरो होगा. चलो समझते हैं क्या हो रहा है, कैसे सोचते हैं इसको. इस पाथ पे तुमको मोशन करवाना. अब सर्कुलर मोशन कब तक होगा, समझो सर्कुलर मोशन कब तक होगा, जब तक स्प्रिंग में टेंशन बना रहा, पॉजिटिव हो, स्प्रिंग में टेंशन क्या रहा है, बना रहा है. अभी हमने पढ़ा कि अगर पार्टिकल को यहाँ से फेंक रहे हैं, यहाँ से पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो उसका टेंशन ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज हो रहा है. अब मान लो यहां से यहां तक जाने में कहीं बीच में उसका टेंशन जीरो हो गया, यहां से यहां पहुंचने में बीच में ही टेंशन उसका क्या हो गया, जीरो हो गया. तो अगर टेंशन इधर जीरो हो जाएगा, क्या वो आगे जा पाएगा इस सर्कुलर पाथ से, नहीं सर, नीचे फॉल हो जाएगा. नहीं सर, पैराबोलिक फॉल. और जो फॉल होता है वो पैराबोलिक होता है, जो फॉल होगा उसके बाद क्या होगा, पैराबोलिक होगा, वो भी समझाएंगे कैसा होगा. तो इसका मतलब ये है ना कि हम ऐसे फेंके कि बीच में इधर कहीं टेंशन अगर जीरो ना हो, इस तरीके से फेंके, इसको उतना स्पीड दे करके फेंके, क्योंकि अभी तुमने देखा कि जो भी टेंशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इक्वेशन क्या है तुम्हारा, एम यू स्क्वायर बाई एल है, उस इनिशियल स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उसमें से घट रहा है एम जी वाला कंपोनेंट घट रहा है तुम्हारा, ठीक है. तो हम मान लो कि इसको ऐसे स्पीड से फेंक दे ताकि टेंशन बीच में कहीं जीरो ना हो. कहां जीरो हो जा करके, यहाँ पे जीरो, क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो भी होगा ना तो उसके पास उतनी सफिशियंट वेलोसिटी रहेगी जिसको लेकर के वो इधर मूव कर जाए, और जैसे ही इसको लेकर के इधर मूव करेगा ना तो इस पॉइंट का टेंशन और इस पॉइंट का टेंशन फिर सेम हो जाएगा. आ रही बात समझ में, फिर से वो टेंशन, मतलब क्रिटिकल कंडीशन क्या है कि क्रिटिकल कंडीशन वो है कि तुम ऐसी मिनिमम वेलोसिटी से फेंक रहे हो कि टेंशन जस्ट जाके हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो, और अगर टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होता है ना तो उसके पास सफिशिएंट मोमेंटम होता है जिसको लेकर के वो क्या करेगा,
इधर की तरफ मूव करेगा, और जब इधर की तरफ मूव करेगा ना तो फिर धागा, धागा में क्या आने लगेगा, टेंशन आने लगेगा, क्योंकि धागा क्या चाहता है, धागा बांध के रखा है उसको, इधर की तरफ जाने नहीं देगा, उसको मूव करवा देगा अगेन सर्कुलर पाथ पे। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे व्हेन, व्हेन, व्हेन पार्टिकल इज, व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन एट, व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन एट, पार्टिकल इज थ्रोन एट क्रिटिकल वेलोसिटी, when particle is thrown at critical velocity at a top point, at a top point, at so when point, thrown at critical velocity, particle is thrown at critical velocity at a top point, at a top point, tension becomes zero, at top point tension becomes zero, tension becomes zero, because to complete circular motion, tension at top most point, रुक जाओ एक मिनट, ये गाना चले जाना, to complete full circle, tension at top most point, जिसको मैंने B से represent करा था, must be greater or equal to zero. अगर greater है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, zero से बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दिक्कत कब है? जब zero से छोटा हो जाता, मतलब tension zero हो जाता तब, लेकिन अगर वो tension top most point पे होने zero, तो फिर तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके बाद अगेन सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे ले? अगर टीबी, तो इसका इसका क्रिटिकल कंडीशन क्या है कि टीबी अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो होता है, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उससे कम वेलोसिटी अगर तुमने दे दिया, फिर सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। और अभी हमने जस्ट पढ़ा टीबी तुम्हारा क्या है, टीबी की वैल्यू होती है एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल माइनस 5mg, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। और जब इक्वल टू जीरो करोगे, टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद क्या बोले सर, मेरा नेटवर्क चला गया था, टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट, उसके बाद ये चीज लिखवाओ, ठीक है? टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब देखो उसके बाद क्या है कि टेंशन एट बी हमने जस्ट अभी निकाला, रिजल्ट में हमने जस्ट अभी निकाला कि टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना होगा, ये होगा, तो सिंप्लीफाई करोगे माइनस 5mg, जब जीरो के बराबर होगा, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन। ये कौन सा कंडीशन देगा तुम्हारा, क्रिटिकल कंडीशन देगा, यहां से जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तुम्हें क्या दिखेगा, जो u है इट विल बी रूट ओवर 5gl, मतलब अगर बॉटम में तुमने वेलोसिटी 5gl या 5gl से ज्यादा दिया, तब तुम्हारा सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्रिटिकल, यही तुम्हारा क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर इससे कम दोगे, किसी ने 4gl दे दिया, 2gl दे दिया, तो फिर सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, नहीं होगा। क्या बोल रहे हो सर, ये वेलोसिटी बॉटम पॉइंट है, u इक्वल्स टू अंडर रूट 5g, हां ये वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है कहां, क्या बॉटम पॉइंट का, क्योंकि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है, इसमें क्यू कहाँ का आ रहा है, जो हमने रिजल्ट देखा था इनिशियल, बॉटम पे हमने कितने से थे, बॉटम पे हमने कितने से फेंके, दैट इज योर। तो बॉटम से अगर रूट 5gl या उससे ज्यादा फेंकते हो, सर्कल कंप्लीट होगा, और अगर उससे कम से फेंक रहे हो, तो फिर सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। और अगर इस वेलोसिटी से फेंक रहे हो, तो हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी क्रिटिकल। इस वेलोसिटी से अगर तुम फेंक रहे हो ना, तो सारे पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, सारे पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। मतलब इफ योर इनिशियल वेलोसिटी इज क्रिटिकल, वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्रिटिकल। समझ में आ रही है बात?
तो अगर तुम्हें ये पता चल गया तो तुम सी पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए वो पॉइंट सी का क्रिटिकल वेलोसिटी होगा, डी पे कितना होना चाहिए वो पॉइंट डी पे क्रिटिकल वेलोसिटी होगा, ए पे जो वेलोसिटी है वो भी क्रिटिकल वेलोसिटी होगी उस पॉइंट की। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये है बॉटम मोस्ट पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ क्रिटिकल वेलोसिटी जब पार्टिकल कहाँ पे है, जब पार्टिकल जब बॉब हॉरिजॉन्टल हो गया मतलब स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गया उस पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होगी? √3gl. अगर पूछे टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होगी? 0. नहीं, √5gl. टॉप मोस्ट पॉइंट तो सर √gl. √gl ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल जब हो रहा है उस पॉइंट पे वेलोसिटी। तो समझा दे रहा हूँ एक बार फिर से डायग्राम बना के, ये हो गया ना, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी है। यस, बॉटम मोस्ट पॉइंट। अब समझते हैं, अगर इस बॉटम मोस्ट पॉइंट से देखते हो तो ए पे वेलोसिटी कितनी होगी, बी पे वेलोसिटी कितनी होगी? क्या तुम्हारा यहाँ की वेलोसिटी कितना है? √5gl है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है। अगेन यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी, सारी वेलोसिटी जो होंगी वो दे विल बी क्रिटिकल वेलोसिटी। अगेन यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इट विल बी आल्सो क्रिटिकल वेलोसिटी vb। तो अगर va पे क्रिटिकल वेलोसिटी निकालोगे इट विल बी √3gl, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता कर करके va कैसे निकलता है, v निकलता है √q² - 2gl का 2gl। U की जगह पे हमने क्या रख रहा है, U की जगह पे हम रख रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी 5gl माइनस 2gl, यानी VA पे जो वेलोसिटी होगी √3gl, मतलब 3gl कहाँ की क्रिटिकल वेलोसिटी है, A की क्रिटिकल वेलोसिटी। A पॉइंट में कभी कभी तुमसे पूछ देता है कि पॉइंट A की क्रिटिकल वेलोसिटी बताओ, हमने किसका निकाला है, B का, बॉटम पॉइंट का क्रिटिकल वेलोसिटी निकाला है जो सबको पता है कितना है, √5gl है। कभी कभी हमसे पूछ देता है बताओ कि अगर बॉब हॉरिजॉन्टल है उस पॉइंट पे उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होगी, या फिर दूसरे तरीके से पूछता है कि बॉब को हॉरिजॉन्टली ले जाकर कितनी स्पीड से फेंके ताकि वो सर्कल पूरा कर ले। बॉब को यहाँ से नहीं फेंक रहे हैं, कहाँ से फेंक रहे हैं, यहाँ से फेंके, तब कितने स्पीड से फेंके ताकि वो सर्कल कंप्लीट कर ले। तो पॉइंट ए की क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी है? तब वो सर्कल कंप्लीट करेगा, उससे कम में फेंकोगे तो क्या वो सर्कल कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? टेंशन इधर ही कहीं जीरो हो गया और टेंशन इधर से पहले कहीं भी जीरो हो गया, सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। वैसे ही वीबी का क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगा, इस पॉइंट का जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगा, मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुम कहां से पार्टिकल को फेंको, टॉप मोस्ट पॉइंट से पार्टिकल को फेंको ताकि पूरा का पूरा सारा सर्कल कंप्लीट हो जाए, तो तुम्हें कितना से फेंकना पड़ेगा, तुम्हें फेंकना पड़ेगा √gl, √gl में सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे जगह का वेलोसिटी पता है। बोलो सर, आपने तो सर यहां पर बोला कि टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट मस्ट बी tb ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड u ग्रेटर देन इक्वल टू 5gl। कहा का u जो वेलोसिटी है वो कहा की वेलोसिटी है? नीचे वाले की, नीचे वाले पॉइंट। वो सर समझ गया। हाँ हाँ, तो u है ना, पहले तो मैंने जो जब डेरिवेशन मैंने स्टार्ट किया ना, वहां मैं किस पॉइंट की मैंने वेलोसिटी को u माना है वो भी देखो, किस पॉइंट की वेलोसिटी को u माना है, एकदम बॉटम वाला, बॉटम पॉइंट। हमने u जब निकाला, ये सारा जो चीज मैंने लिखा, क्रिटिकल का कंडीशन लिख के टेंशन जीरो किया, और जब टेंशन जीरो किया तो यू जो आया √5gl, ये कहां की वेलोसिटी आया, बॉटम की, क्योंकि मैंने बॉटम को यू मान करके चल रहा हूँ। अब इस यू के रेस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ कि मान लो अगर मैं 5gl से फेंकता तो जो भी वेलोसिटी होंगी ना इधर कहीं भी, सारी की सारी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी होंगी। तो अगर ए का वेलोसिटी, अगर मैं ए पे मैं वेलोसिटी जानना चाहता हूँ कि व्हाट विल बी द क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट, तो इसी के हेल्प से मैं निकाल लूंगा, क्यों अलग से डेरिवेशन करने जाऊंगा, क्यों फिर मैं मोशन को यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करके देखूंगा। मैंने एक जगह से अपना मोशन पढ़ लिया है, वही चीजें पूरे मोशन में अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ की क्रिटिकल वेलोसिटी √5gl, यहाँ से अगर बोला जाए बताओ यहाँ से कितने से पार्टिकल को फेंके ताकि सर्कल कंप्लीट कर ले, कितने से फेंके √3gl से। किसी ने पूछ दिया बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर तुमने
बॉब को होल्ड करके रखा है, कितनी वेलोसिटी से फेंके ताकि वो सर्कल कंप्लीट कर ले, कितने से फेंकेंगे रूट फाइव जीएल से। फिर तुमसे किसी ने पूछ दिया कि मान लो यहाँ पर तुम पकड़ के रखे हो बॉब को, ऐसे पकड़ के रखो, बताओ कितने से फेंके कि सर्कल कंप्लीट हो जाए, कितने से फेंके समझ में आ गया। और किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं सर? अब जब क्रिटिकल वेलोसिटी से फेंक रहे हो तो बताओ यहाँ पे टेंशन कितना होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर तुमने फेंका यहाँ पे टेंशन कितना होगा। ये सर्कल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्रिटिकल वेलोसिटी के केस में, ये सर्कल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसका कुछ करने नहीं, तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना, तुम्हें पता है कि अगर ऊपर जाएंगे तो 3 mg घट जाएगा, ऊपर जाएंगे एक क्वाड्रेंट होगा करेंगे 3 mg घट जाएगा, यानी यहाँ का जो टेंशन थी ये होगा, कैलकुलेट करने की कुछ जरूरत नहीं, कितना घटा लोगे 3 mg अगेन इस इधर घटा लो 0 0 यही तो हमारा क्रिटिकल वो कंडीशन था, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे अगेन टेंशन कितना हो जाएगा 3 mg आ जाएगा। सिंपल है ना? हाँ सर। जिसको नहीं समझ सर तो ये ट्राइंगल तुम्हारा, ये जो भी तुम्हारा सर्कल है ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा सर्कल है ये, क्रिटिकल कंडीशन। यस सर। अगर पूछे व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, क्या लिखेंगे रूट फाइव जी एल, ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी व्हेन बॉब इज हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन से उसको फेंकेंगे तो व्हाट विल बी द क्रिटिकल। बोला कि टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर पार्टिकल फेंक के सर्कल कंप्लीट करवाने तो व्हाट विल बी द आंसर, रूट ओवर जीएल। और अगर बोल दिया थीटा एंगल से फेंकना चाहते हैं, बोल रहा है सवाल में बोला कि मान लो मैं कितने से फेंकना चाहता हूँ, 60 डिग्री एंगल पे मैंने होल्ड करके रखा है, बताओ मैं वहां से किस वेलोसिटी से फेंकूं ताकि सर्कल कंप्लीट हो, कैसे करोगे? ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो है, सवाल में कुछ भी बोल सकता है, बोल दिया कि बताओ मैं यहाँ से, मैंने बॉब को यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है 60 डिग्री पे, बताओ कितने से मैं फेंकूं ताकि क्या हो जाए, सर्कल कंप्लीट हो जाए। उस कैसे पॉइंट पे सर टेंशन निकाल के वो टेंशन से कुछ नहीं करना है, कैसे करना है? अरे भैया यू, यही तो है यू, वी का फॉर्मूला, वी क्या होता है यू स्क्वायर माइनस 2 GL 1 cos θ। यहाँ पे जो वेलोसिटी रखोगे क्रिटिकल, अगर वेलोसिटी यहाँ की कौन सी तुमने रख दिया, क्रिटिकल वेलोसिटी रख दिया, तो 60 डिग्री एंगल पे जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी क्रिटिकल। हाँ सर। हाँ सर। क्या बोल रहा हूँ तुमसे, पूछ रहा है कि 60 डिग्री पे निकालो, ये हमने कैसे निकाला, इसके हेल्प से निकाला ना, क्योंकि उस पे थीटा 90 डिग्री था, यहाँ पे थीटा अगर 60 डिग्री दे दिया भैया, क्रिटिकल वेलोसिटी अगर ये पुट करोगे यहाँ पे 5 GL -2 GL 1 cos 60 को मैं सीधे 1/2 लिख दे रहा हूँ, लिख दो -4 GL, ये कितना हो जाएगा GL हो जाएगा, कितना आएगा √4 GL, और 4 का मतलब होता है 2 GL, मतलब यहाँ पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी 60 डिग्री एंगल पे वो कितनी होगी √4 GL, √4 GL या 2√GL होगा, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? जब भी तुमसे क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में पूछे ना किसी भी पॉइंट का, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो याद ही रखना है, किसी और पॉइंट पे पूछ ले, मान लो एंगल 60 डिग्री दे दिया, एंगल 120 दे दिया, एंगल कुछ भी दे दिया, तो इस यू को कितना पुट कर देंगे, कितना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी है तो हर जगह का वेलोसिटी क्या होगा, क्रिटिकल होगा, हर एंगल पे वेलोसिटी क्या होगा, क्रिटिकल होगा। तो फिर से आप कैलकुलेशन करने मत घुस जाना कि सर फिर से मैं टेंशन वहां पे 0 कर दूंगा, उस टेंशन से फिर मैं एनर्जी कंजर्वेशन बाकी सारी चीजें करके टाइम वेस्ट करके फिर बाद में पता चला आंसर नहीं निकला, यहाँ से सोचेंगे, यहाँ पे यू को चुपचाप क्या पुट कर देंगे, √5 GL, क्रिटिकल वेलोसिटी, एंगल पुट कर देंगे, जो वेलोसिटी यहाँ से आएगा उस एंगल पे वो क्रिटिकल वेलोसिटी। नहीं समझ में आया?
हाँ सर हाँ सर हाँ सर समझ में आ गया। चलो तो फिर आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया, आज रखते हैं यहीं तक, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। किसे कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो अभी भी। नो सर नहीं सर नहीं सर नहीं सर। चलो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर।